गाइस तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर इतना शानदार एक्सपेरिमेंट कि आप खुद बोल दोगे वाह बेटे मौज कर दी। तो दोस्तों आप जैसे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में कहा कि सेंटर फ्रेश को हम हॉट ऑयल में गर्म बढ़ते तेल में उसको उसके अंदर डालो और देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हमने तो ऐसा ट्राई किया नहीं और मुझे सच में नहीं पता कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन आपने कहा है तो हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास में सेंटर फ्रेश का डब्बा। इस सेंटर फ्रेश के डब्बे को हम डालेंगे हॉट ऑयल के अंदर। ये रहा दोस्तों ये हमारे पास, ये देखिए तेल। फिलहाल मैं आपको एक तेल की बोतल दिखा रहा हूँ, वैसे तो हमारे उसमें 2 लीटर तेल डाल देंगे हम और ये सेंटर फ्रेश की बोतल, इस सेंटर फ्रेश को हम डाल देंगे उसके अंदर। तो चलिए गाइस आपके बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए गाइस इस देसी जुगाड़ के मदद से हम इस कढ़ाई के अंदर डालते हैं तेल। देखिए ये हमने एक छोटा सा चूल्हा बना लिया, इसके ऊपर कढ़ाई रख ली, अब डाल देते हैं हम इसको तेल अंदर। ओके गाइस थोड़ा ध्यान से गाइस कहीं पर आपके हाथ पर ना उछल जाए गर्म होने के बाद। ओके गाइस हमने तेल को डाल दिया है, अब हम करते हैं इन चिंगम के बॉक्स को अनरैप कर देते हैं, इसको खोल देते हैं फिर देखते हैं कितने सारी चिंगम निकलती है। ओके गाइस इनको खोल देते हैं, गाइस इन सारी सेंटर फ्रेश को हम खोल लेते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं ये बता दूं आपको इसके अंदर लगभग 210 सेंटर फ्रेश आती है। तो चलिए दोस्तों इन सबको खोल लेते हैं। अरे आजर भाई इसको खुलवा दे। ओके गाइस इन सारी को खोल लेते हैं। दोस्तों हमने सारी सेंटर फ्रेश को खोल लिया है और ये देखिए दोस्तों इसके एक सेंटर फ्रेश का कचरा इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो दोस्तों अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट और हॉट ऑयल के अंदर हम इसको डालते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए दोस्तों चलते हैं सेटअप की ओर। इसको हम डालते हैं इस हॉट ऑयल के अंदर। तो गाइस ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, चलिए हम पहले इसके अंदर एक डाल के देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर बुलबुले उठने लग गए, ये देखिए मतलब तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। दोस्तों हम इसको पूरी डाल देते हैं अंदर, ध्यान से डालना दोस्तों कहीं आपके हाथ में ना गिर जाए तेल। गाइस थोड़ा हाथ में आ चुका है तेल गर्म गर्म। गॉड दोस्तों देखिए तेल का क्या हाल हुआ है इसके अंदर, ये देखिए किस तरह की लेयर आ चुकी है चिकगम की, एकदम पूरी ब्लैक लेयर आ चुकी है। देखिए गाइस ये देखिए किस तरह से हो चुका है, ये देखिए इसके ऊपर कैसे ब्लैक आ चुके हैं बुलबुले, ये देखिए। और देख रहे हैं दोस्तों आप किस तरह से तेल हो चुका है इसके अंदर। ओ माय गॉड दोस्तों क्या हाल हुआ है इस तेल का, देखिए क्या हाल हुआ है। ओ नो, तो दोस्तों थोड़ी देर और वेट करते हैं और देखते हैं कि इसका और क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरह से होता है ये तेल। चलिए गाइस वेट करते हैं थोड़ी देर। ये दोस्तों और भी ज़्यादा लेयर आ चुकी है इसके ऊपर, ये देखिए जैसे अंदर से बुलबुला निकल रहा है और भी ज़्यादा इसकी लेयर निकल रही है अंदर से, ये देखिए इस तरह से इस तरफ से इसकी लेयर निकल रही है और पूरे कढ़ाई में ब्लैक लेयर हो चुकी है, ये देखिए। और दोस्तों आप देख रहे हैं इस तेल पर भी पूरा का पूरा येलो कलर आ चुका है, पूरा पीलापन आ चुका है, पूरा तेल का कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए।
माय गॉड दोस्तों, देखिए पूरे चिग्गम का क्या हाल हो चुका है, पूरे सेंटर फ्रेस का क्या हाल हो चुका है। ये देखिए इधर पूरा पूरा मतलब ब्लैक लेयर आ चुकी है, पूरी चिग्गम ब्लैक, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा ब्लैक हो चुका है। ये देखिए, रुको आपको थोड़ा बाहर से बताता हूँ इसको थोड़ा बाहर। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर इस लकड़ी के ऊपर देखिए किस तरह से ब्लैक हो चुका है ये पूरा, मतलब सारी चिग्गम इसके अंदर गायब हो चुकी है, इसका पूरा ऐसा कालापन आ चुका है। ये देखिए क्या बन चुका है इसका, ये अजीब से चारकोल जैसा लग रहा है, चारकोल बन गया हो जैसे। वो दोस्तों एक मिनट वो चिग्गम देना। तो दोस्तों इसके अंदर कितना डिफरेंस आ गया, ये देखिए चिग्गम कैसी थी और कैसी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना शानदार मजा आया, मतलब चिग्गम का क्या हाल हो चुका है, देखते देखते क्या हो चुका, वो भी एक डेढ़ मिनट के अंदर क्या हो चुका है इसका हाल। वाह दोस्तों, एक्सपेरिमेंट में शानदार मजा आया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये आइडिया आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।